तो बिग वॉल ग्राफिक्स जरिए हम आपको दिखाते हैं तालिबान 24 घंटे में अपनी जबान से कैसे पलट गया। देखिए दो तस्वीरें, बाजार गलियां जो थे वो 24 घंटे पहले ऐसे रोशन नजर आ रहे थे, वहां डर का माहौल था लेकिन सब कुछ एक्टिव था, दुकानें खुली हुई थी, लोग आ जा रहे थे, सामान खरीद रहे थे। देखिए तमाम फल सब्जियों की दुकानें हैं, लेकिन 24 घंटे बाद काबुल की गली अगर हम आपको दिखाएं तो ये देखिए, ये तमाम यहां पर जो लड़ाके हैं वो यहां पर मौजूद हैं, दुकानें बंद हैं, सब कुछ शांत हो चला है, कत्लेआम हो चला है, सड़कें बंद हो गई हैं, चारों तरफ बम धमाका बारूद आपको नजर आ रहा है। ये दो तस्वीरें आज के तालिबान की 24 घंटे पहले और 24 घंटे बाद की कहानी को बयां कर रही हैं। पाकिस्तानी पत्रकार फखर भी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। फकर, क्या इन्हीं को आप मान्यता देने वाले, क्योंकि अब खबर आ रही है शायद पाकिस्तान मान्यता देने वाला है, पिछली बार भी 3 देशों ने दिया था, तो क्या इन लड़ाकों को ही आप मान्यता देंगे जो इस तरह से कत्लेआम मचा रहे हैं? मेरे ख्याल में पाकिस्तान भी इस चीज के ऊपर एक जिसे कहते हैं तजब्जुब का शिकार है कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि अगर वो तालिबान को रिकॉग्नाइज करता है तो तब भी उनके लिए मसला है। जिस तरह आपने पिछली दफा की बात की 1996 या 2001 तक जब इनकी हुकूमत थी, आप उसकी बात कर रहे हैं, बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं उसको सेकंड करूंगा। और दूसरा ये कि अगर नहीं करता तो हुकूमत उनकी वहां पे मतलब एक फॉर्मल हुकूमत तो नहीं उन्होंने बनाई, लेकिन कब्जा जब उनका काबुल के ऊपर आर्क के ऊपर हो गया तो यकीनन हुकूमत उन्होंने बनाई है। लोगों के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी एक डर मौजूद है, हुकूमत को भी समझ नहीं आ रही कि हम किस तरीके से स्टेप लें। इसके साथ साथ जो नहीं, आपकी हुकूमत ने तो स्टेप ले लिया, आपकी हुकूमत तो सपोर्ट कर रही है तालिबान का, बाकायदा ये कहा गया, ये सलाह दी गई कि अशरफ गनी के रहते तो यहाँ पर सब कुछ शांति जो है वो स्थापित नहीं हो पाएगी, यानी बाकायदा सलाह दे रहे थे इमरान खान तालिबान के स्पोक्स पर्सन बन के। पाकिस्तान ने तो सब कुछ किया, आप कहाँ कह रहे हैं कि स्टैंड क्लियर नहीं है पाकिस्तान का? मैं बताता हूँ आपको। आप बात करें कि इमरान खान साहब ने कहा कि अशरफ गनी साहब चले गए तो अब पाकिस्तान क्या करेगा, ये असल सिचुएशन है। और पाकिस्तान का जो इम्तिहान है वो अभी शुरू हुआ है, अशरफ गनी के होते हुए वो नहीं था, लेकिन अब जब तालिबान आ गए तो पाकिस्तान के लिए सिचुएशन, पाकिस्तान को ये समझ अभी फिलहाल नहीं आ रही। किसी को नहीं पता कि तालिबान किस करवट मतलब क्या रुख इख्तियार करते हैं। जिस तरह आप कह रहे हैं कि कंधार में ये हो रहा है, हो सकता है कल, लेकिन आपके यहाँ तो लड्डू मिठाई बांटते और पटाखे फूटने की तस्वीरें हमने दिखाई। देखिए समीर, बात यह है कि यार वो किसी का हो सकता है, मैं ये नहीं कहता, बहुत सारे लोगों ने रात को, मैं ट्विटर पे देख रहा था, फेसबुक पे लोग मुबारकबादें दे रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है। मेरे जैसे लोग, भाई मैं मतलब इस बारे में पढ़ा, मैं मतलब बिल्कुल क्लियर, मैंने पिछली सिचुएशन की इनकी मतलब इनके बारे में पढ़ा और अभी भी हम देख सकते हैं। मेरी जब अफगानिस्तान में अपने जर्नलिस्ट दोस्तों से बात हो रही तो कह रहे हमने टिकटें ली हुई है, जैसे ही हमें फ्लाइट मिलती है तो हम उसी फर्स्ट फ्लाइट में सेकंड फ्लाइट में हमें। एक छोटा सवाल आपसे, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाएंगे, आप जैसे कितने लोग पाकिस्तान में जो ये सोच रहे हैं, क्योंकि बड़ा वर्ग प्रधानमंत्री से लेकर आपके रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, सभी यही कहते नजर आ रहे हैं, वो खुश हैं कि जो हो रहा है। सही कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो खुश है, लेकिन उनकी ये खुशी जो है ना, ये बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं है। ठीक है, असल मेरा मतलब जिसे कहते हैं मेरा कंसर्न ये। ठीक है, ठीक है फकर, मैं आता हूँ आपके पास।